हेलो हेलो गाइस, गाइस, वेलकम टू पाकिस्तान इंडिया रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदसर। मैं हूँ बशीर। सो गाइस, इंडिया का और कनाडा का टिट फॉर टैट चल रहा है। क्या हुआ, कनाडा ने इशू किया है ट्रैवल वार्निंग भारत के लिए, इंडिया ने सेम वार्निंग अपने लोगों के लिए, मतलब कनाडा कनाडा के कहिए, लिए विश का मतलब इशू कर दिया है। मतलब जो कनाडा कर रहा है उसी के कुछ घंटों बाद भारत वो चीज कर देता है। भारत पीछे नहीं हटता, सीधा मुंह तोड़ जवाब दे रहा है कनाडा को इसका। और बेस्ती हाँ इसमें हाँ इसी की कनाडा की और हो इसमें गई। वाकई इसमें बेइज्जती कनाडा की हो रही है, सारा कुछ जानते हैं। पीटी सर का वीडियो है, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। भारत ने बहुत नमस्कार एंड एग्रेसिव वेलकम यू ऑल पॉलिसी टू वर्ल्ड रखी है अफेयर्स। मैं हूँ भाई। प्रशांत धवन। नाउ स्टॉक मार्केट में कभी कभी जैसे एक स्टॉक गिरता है ना, लगातार गिरता रहता है, सही उसी बात तरीके से है। आप कह लीजिए इंडिया और कनाडा का जो रिलेशनशिप है ये लगातार फॉल कर हाँ, रहा है। गिर और रहता इसका है। रीजन यही है, जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी एक सेपरेटिस्ट ट्रूडो, मारा गया, किसी को नहीं पता उसको किसने मारा था, क्या हुआ था। हाँ इस आदमी के पास ना कुछ सबूत है, कुछ प्रूफ नहीं है, मगर ये अकेले हेलबेंट है इंडिया के साथ सारे रिलेशंस डिस्ट्रॉय करने में। हाल ही में हमने ये देखा कि कनाडा ने फ्रेश ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर दी है इमरान खान फॉर से दो इंडिया, हाथा भी निकल और गए, अपने इमरान खान नागरिकों से को दो ये हाथा कह भी दिया है निकला कि वाकई। इंडिया में जाने से पहले कॉशन रखिएगा, यहाँ पे आतंकवाद का इशू हो सकता है। स्पेसिफिकली ये और बोल दिया कि जम्मू कश्मीर में ट्रैवल अवॉइड करो। जम्मू कश्मीर में आपको बता होगा वाह इंडिया की बे, सरकार प्रमोट कर रही है कि लोग वहां पर जाए, इन्वेस्टमेंट करे, तो उधर हर स्पेसिफिकली कोई इंडिया जा को रहा यहाँ है पे इस हिट टाइम। किया हम कि जी जम्मू कश्मीर में यहाँ पे ना जाइए। साथ में ये और कह दिया मतलब कि दुखती आप रात पे मणिपुर भी इंडिया की विजिट मत मतलब करिए, आसाम भी वार विजिट किया मत उसने। करिए। बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव ओ यहाँ ट्रैवल एडवाइजरी इंडिया को जारी कर पूरी दी है। कनाडा ने अपनी तरफ से यह इंश्योर कर लिया दुनिया है कि इनके नागरिक इंडिया में छुट्टियां मनाने के लिए या फिर वैसे भी विजिट करने के लिए ना जाएं। इंडियन इकोनॉमी में कनेडियन डॉलर्स का कंट्रीब्यूशन टूरिज्म के थ्रू और ज़्यादा कम हो जाए। अब इसके रिस्पांस जा में भारत ने भी एक वार्निंग जारी कर दी है, एडवाइजरी जारी कर दी है फॉर इंडियन नेशनल्स एंड स्टूडेंट्स। देखो इस सब हाँ, इशू में ना मेन वैसे मुझे से कंसर्न हाँ यही है हाँ कि सबसे इंडियन ज्यादा स्टूडेंट्स का स्टूडेंट है लॉस ना यहाँ हो जाए, पे। क्योंकि कई फैमिलीज हैं उन्होंने करोड़ों रुपए, मतलब लिटरली मैं आपको बताता हूँ, यूएस कनाडा में पढ़ाई पे ना 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए तो पानी की तरह बह जाते हैं। फीस इतनी होती है, ट्यूशन फी वहाँ पे, जाहिर रेंट पे करना वगैरह, तो उनको यहाँ पर ज़रा प्रॉब्लम ना आ जाए। अब यहाँ पर आप देख पाओगे लिखा है, इन द व्यू ऑफ ग्रोइंग एंटी इंडिया एक्टिविटीज एंड पॉलिटिकली कंडोन्ड हेट क्राइम्स क्रिमिनल वायलेंस इन कनाडा, ऑल इंडियन नेशनल्स देयर ओह एंड दोज कंटेम्पलेटिंग ट्रैवल आर अर्ज टू एक्सरसाइज अटमोस्ट कॉशन। इंडिया ने भी अपने नागरिकों को कह दिया है ओह, कि भारत ने भी कनाडा में सेम। जाओगे तो कॉशन बना कर रखना, वहां पर प्रॉब्लम्स आ सकती है। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन डिप्लोमेट्स को भी टारगेट किया जा रहा है, वहां पे उनको भी थ्रेट्स मिल रहे हैं। सरकार कनाडा की जरा कुछ कर नहीं रही, तो दिस इज सीरियस। दोनों कंट्रीज ने डिप्लोमैट्स, हाई कमिश्नर तो नहीं मगर डिप्लोमैट्स ऑलरेडी निकाल दिए हैं। और न्यूज़ एक ये भी आ रही है कि कनाडा का जो हाई कमीशन है, हो सकता है कि वो इंडियन नेशनल्स को निकाल दे या ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो वहां पर काम कर रहे थे। और अब दोनों कंट्रीज की जो सरकारें हैं वो ट्रैवल एडवाइजरी भी इशू मतलब कर जो चुकी हाई हैं। बट इस कमीशन सब के मतलब बीच में एम्बेसी ना में जो काम कर रहे हैं। मुझे हाँ, एक बात ऐड करनी पड़ेगी, जस्टिन ट्रूडो को ये मत मान खारिज लेना कि नहीं किया, ये निकाल पूरा दिया उन्होंने। कनाडा हाँ भाई, कि हाँ, पूरा लोकल कनाडा इंडियंस को जस्टिन ट्रूडो की बात मानता है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, नहीं। कनाडा में जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है उनके जो मेन लीडर है पियर, उन्होंने हाल ही में जस्टिन ट्रूडो के बारे में क्या कहा है, ये क्लिप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सबटाइटल्स अपनी तरफ से ऐड किए मतलब हैं और यहाँ पे ऑपोजिशन आप देख वाले, पाओगे ये वीडियो, ये है पियर। हो सकता है 1 या 2 साल में ये कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर बने, ये राइट विंग पार्टी से बिलोंग करते हैं। नाउ इनकी बात सुनिए। I think the Prime Minister needs to come clean with all the facts. We need to know all the evidence possible so that Canadians can make judgments on that. They just expelled an Indian diplomat. Should they do more in response to this news? I think we need to see more facts. The Prime Minister hasn't provided any facts. और फैक्ट He provided a statement, and I will just emphasize that he didn't tell me any more in private than he told Canadians in public. So we want to see more information. ये बात कनाडा में वो कहते आम है हैं हमें और कि जस्टिन इंफॉर्मेशन ट्रूडो ने चाहिए इसके बोल तो बारे में। दिया कि इंडियन एजेंट्स इन्वॉल्व थे, कि हाँ इंडियन एजेंट्स ने यह सब किया है, मगर उसके बाद कुछ फैक्ट्स कुछ एविडेंस किसी को नहीं दिखे। What is the risk if he doesn't provide more information or these allegations are found somehow to be untrue or uncredible? What is the risk? Real. ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था। रियल जर्नलिस्ट ने रिस्क है। पूछा कि मान लो कि कोई सबूत मिलता ही नहीं है और जस्टिन ट्रूडो अपनी नहीं बात है। प्रूव नहीं कर पाते, तो
उसके बाद क्या खतरा होगा? तो इन्होंने कहा कि इट विल बी रियल डेंजर, क्योंकि इंडिया के साथ बिना बात पे हम रिलेशंस खराब कर चुके होंगे, हमने यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बाकी जो हमारे मित्र मुल्क देश हैं उनको भी हिला दिया। इंडिया जो एक इतना इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडो पैसिफिक में, उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट देने को भी अर्ज किया, और इन दी एंड हमारे पास कोई प्रूफ, कुछ एविडेंस था ही नहीं। That drew the, that allowed the Prime Minister to come to the conclusions he made yesterday. Do you agree with the government's decision to go public with the intelligence, and if so, why? I would have to have more evidence to make a judgment on that. I do find it interesting that you knew about the vast foreign interference by Beijing for many years, at the same time as Beijing had. मतलब ये और चीजों का बता रहे हैं, बीजिंग वगैरह का। हाँ भाई, जिनसे रिलेशन खराब है, ये बहुत ही इन्होंने इंटरेस्टिंग बात बोली है कि जब चाइना ने दो कनेडियन सिटीजन को हॉस्टेज रखा हुआ था, तब जस्टिन ट्रूडो इस तरीके से नहीं आए, अपनी सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी की बात नहीं करी, मगर इस इंडिया के केस में स्पेसिफिकली ये इतना अग्रेसिवली आगे आ रहे हैं। तो इन्होंने भी हिंट दे दिया है कि इशू एक्चुअली में कनाडा की सिक्योरिटी का नहीं है, जस्टिन ट्रूडो को एक पर्सनल बहुत ज्यादा नफरत भी आप कह लीजिए इंडिया के प्रति है, इंडिया की गवर्नमेंट के प्रति है, तो ये जस्टिन ट्रूडो अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं इंडिया कनाडा के रिलेशन को खराब करने के लिए। और जब ये जो फैक्ट वाली बात है ना, प्रूफ वाली बात है कि आपने जो पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या दिया इंडिया के बारे में, आप उसको प्रूव कर पाओगे? क्योंकि अभी तक आपकी भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो कह रही है कि हम अभी इन्वेस्टिगेशन ही कर रहे हैं। वेल, इसके जवाब में जस्टिन ट्रूडो ने यह कहा था कि मैं इंडिया को प्रवोक नहीं करना चाहता, मैं तो इंडिया के साथ काम करना चाहता हूं ताकि एक प्रॉपर प्रोसेस बन पाए। तो ये भी आज के समय प्रेशर फील कर रहे हैं कि सिंस इनके जो एलाइज हैं, कनेडियन एलाइज, इसका मैं आपको अलग से आर्टिकल दिखाता हूं, यहां पे आप देख पाओगे टोरंटो सन कनेडियन मीडिया का आउटलेट है, ये खुद ही कह रहे हैं कि कनाडा के जो एलाइज हैं इन्होंने रिबफ कर दिए हैं रिक्वेस्ट टू ज्वाइन एक्यूजेशंस अगेंस्ट इंडिया। आपने देखा होगा यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया सब ये कह रहे हैं हम कंसर्न्ड हैं, हम भी चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन हो, हम चाहते हैं कनाडा यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करे, मगर किसी भी कंट्री ने, कनाडा के जो मित्र मुल्क देश है, किसी ने भी ये नहीं कहा कि हाँ हम भी मानते हैं कि इंडिया ने यह सब किया है। तो अगेन ये जो टॉपिक है ना, मैं कहूंगा अभी काफी न्यूज में रहने वाला है। जस्टिन ट्रूडो बुरी तरीके से घिर गए हैं और अब इनके पास एक ही ऑप्शन बची है अपनी फेस सेविंग करने के लिए कि इंडिया के साथ लगातार रिलेशंस और ख़राब करते रहो, ट्रैवल के इश्यूज को लेकर, इन्वेस्टमेंट के इशू को लेकर, ट्रेड डील कैंसिल करके। ये इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक आदमी की ईगो दो कंट्रीज के जो रिलेशन है इनको कितना ज़रा डिस्ट्रॉय कर सकती है। और अभी देखिए मुझे नेक्स्ट स्टेप ये एनालाइज करना होगा कि क्या कनाडा इंडिया से जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं ये भी पुल आउट कर लेता है $21 बिलियन की, क्योंकि कनाडा का जो पेंशन फंड है, इन्होंने इंडिया के करीब 70 स्टॉक्स में, हमारे जो स्टॉक्स हैं स्टॉक मार्केट में, 70 स्टॉक्स में $21 बिलियन इन्वेस्ट करके रखे हैं। सो अगर ये पैसा भी ये निकाल देते हैं ना, तब आप मान लीजिए इंडिया कनाडा के जो रिलेशंस हैं ऑलमोस्ट डेड है, मैं यही कहूँगा, कुछ दोनों कंट्रीज के बीच में बचेगा नहीं। और सैड है, इन दी एंड मैं यही कहूँगा, कई लोग हैं उनकी लाइफ इंडिया कनाडा दोनों से जुड़ी हुई है, तो ये अचानक से हो जाना, इट्स सैड फॉर बोथ द कंट्रीज। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाल ही में, इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म है यार। वैसे ये बात ठीक है, जो लोग मतलब हैं वो थोड़े खराब होंगे, नहीं तो भारत को तो इतना फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, भारत के नजर में कनाडा हो ना हो भारत को इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कनाडा के लिए भारत ना हो तो कनाडा को बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ट्रूडो उस टाइम सबसे ज्यादा वो उसने अपनी जिद बनाई हुई है, वो जिद में आ गया। देखो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर ने क्या बात की है कि भाई मैं जब तक एविडेंस के बगैर मैं नहीं बोलूंगा, कहता है। और कहने का भी मकसद यही था कि जब तक वो अगर एविडेंस फर्ज करो, अगर नहीं मिलते फर्ज करो, देखो ये बात बड़े पत्ते की बात है, अगर फर्ज करो नहीं मिलते इंडिया के और कनाडा का रिलेशन खत्म। ये इस तरह भाई मैं आपको अगर एक बात बोलूं तो ये बात इस टाइम बहुत सही भी लगेगी करना, G20 में जो भारत ने उसकी बेइज्जती की है ना, वो जो मतलब कोई मिलने नहीं गया, दो दिन वो पड़ा G20 के फोरम मुझे, मुझे सबसे बड़ा एक रीजन वो भी लगता है, जो ट्रूडो की बेइज्जती हुई है ना भारत में, जो कोई डिप्लोमेट उससे मिलने नहीं गया, वो होटल में ही पड़ा रहा, ललित होटल में, तो वो सबसे बड़ा भाई वो इसका असल में। और दूसरे वो कि वो जो खालिस्तानी लीडर है, वो जो
एनडीएम का वो जो है वो उसको प्रेशराइज कर रहा है वोट के चक्रों में। वोट के चक्रों में एक बंदे के प्रेशराइज करने से यार वो क्या कर लेगा, वोट के चक्र में भाई, वोट के चक्कर में पूरे कनाडा को जो है ना रगड़ा लगा रहा है ना। ये देखो ये इमरान खान से भी देखो हकीकत है, हम पहले इमरान खान समझते थे, उससे भी बड़ा ब्लंडर है, उससे भी बड़ा ब्लंडर इसने कर दिया। आपका कैसे कहना है, अपने कॉन्वर्सेशन में रखना बहुत ज्यादा डायरेक्ट ना जो है।